हेलो एवरी वन आई होप यू ऑल आर सेफ एंड स्टेइंग होम इन द टाइम्स ऑफ कोविड महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ री द ट्रैवल पास सिस्टम फॉर एमरजेंसी यूसेज सो अगर आपको महाराष्ट्र में कहीं भी ट्रैवल करना है फॉर पर्सनल इमरजेंसी रीज़न्स, आपके पास ई e पास और नेगेटिव आर टी पी सी आर रिपोर्ट होना मैंडेटरी होगा किस तरीके से ये ई e पास को पाना है वो हम आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे साथ में अगर आपके पास कोई ऑनलाइन एक्सेस नहीं है तो आप लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके अपने एप्लीकेशन को सबमिट करें उन्हें वहां से जो पास है वो मिल जाएगा साथ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस पास का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी यूज़ के लिए ही किया जाए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो फॉर पीपल हु वॉन्ट एन ई पास टू बी मेड लेट्स गेट स्टार्ट द वेबसाइट कोविड नाइन्टीन एम एच पुलिस डॉट इन जिसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको वहाँ पर आपको जाना होगा वहाँ पर आपको अप्लाई फॉर न्यू पास एंड डाउनलोड पास के दो टैब्स नजर आएंगे लेट्स ट्राई टू लुक एट क्या चीज़ें हैं जिन्हें आपको भरना पड़ेगा और आप इस पास को अवेल कर पाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जस्ट टू रिमाइंड यू डॉक्यूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी ट्रैवल में आपका गाड़ी का नंबर एज वेल एज आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का डिटेल्स आपको स्कैन करके एक सिंगल डॉक्यूमेंट में अपलोड करना होगा इस एप्लीकेशन फॉर्म में तो उसको साथ में रखिए एक फोटो साथ में रखिए सॉफ्ट कॉपी जिसे आप अप्लाई कर पाएंगे और आपको टोकन नंबर याद रखना है लेट्स ट्राई टू अप्लाई दिस पास नाउ यहाँ पर यह आप सबसे पहले पूछ रहा है आपसे कि डू यू वॉन्ट टू ट्रैवल आउट ऑफ महाराष्ट्र और विद इन महाराष्ट्र तो ये ई पास के लिए जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो दोनों चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है इंटर स्टेट ट्रैवल एज वेल एज आउटसाइड द स्टेट सो लेट मी जस्ट ट्राई टू सी दैट इफ़ आई एम ट्रैवलिंग इन साइड महाराष्ट्र सो आई एल जस्ट सबमिट दैट इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको शुरू करना है कि आपका जो ऑरिजिनेशन पॉइंट है जो जहाँ पर से आप शुरू कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आप शुरू कर रहे हैं भंडारा की जगह से मैंने यहां पर नाम डाल दिया फिर आपको कब से शुरू कर रहे हैं कब खत्म होगा आपका जर्नी स्टार्टिंग वेल एंड डेट तो तो 24 डिफ़ॉल्ट है पर तो मैंने जाने दिया एक वैलिड मोबाइल नंबर डालने की जरूरत है फटाक से हम उसे डाल देते हैं क्विकली ट्रेवल टाइप आप किस तरीके से ट्रैवल करने वाले हैं ये आपको बताना है मैं यहाँ पर फटाक से डालने की कोशिश करता हूँ मे बी दिस इज़ अ पर्सनल एमरजेंसी ड्यू टू अ डेथ ऑफ क्लोज रिलेटिव मैरिज एज वेल एज़ पब्लिक सर्विस लोकल अथॉरिटी एसेंशियल सर्विसेज के लिए ये पासिस अब एक्चुअली मैंडेटरी नहीं है अगर आप एसेंशियल सर्विसेज में हैं तो आप डायरेक्टली वो दिखा कर जा सकते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सट्रीम मेडिकल एमरजेंसी वाला रीज़न ले लेते हैं यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा कि अगर किसी की जो इम्पोर्टेंट सर्जरी है या जिस कारण के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं क्विकली आपको अपना व्हीकल का इन्फॉर्मेशन देना होगा अगर आप पर्सनल प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ गाड़ी का इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ राइट लेट्स मूव ऑन टू द करंट एड्रेस तो वो भी मैं डाल देता हूँ इस तरीके से आपको एक वैलिड ईमेल डालना है मैंडेटरी नहीं है अगर आप उसे नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ पाएंगे आप स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है एंड डेस्टिनेशन का जो डिस्ट्रिक्ट है फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे कोलहापुर जाना है तो कोलहापुर का मेरे को डालना पड़ेगा साथ में यहां पर डालना है कि कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं आपके साथ मान लो एक और इंसान है जिसको आप ले जा रहे हैं एमरजेंसी के दौरान और साथ में आपको डेस्टिनेशन एड्रेस भी डालना पड़ेगा यहाँ पर आप वेदर यूर फ्रॉम कंटेनमेंट जोन ऑलरेडी जहां से आप शुरू कर रहे हैं तो आपने कर दिया यहां पर है और साथ में आपको को पैसेंजर्स के नाम भी देने होंगे so ये इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वेदर यू आर गोइंग टू ट्रैवल बाय द रिटर्न पाथ ऑन द सेम रूट बिकॉज आप इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ जाएंगे तो आपने इसको मान लो यस yes कर दिया तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये हो जाती है एंड नंबर ऑफ को पैसेंजर्स के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर है और पीछे हमने देखा था इन्फॉर्मेशन या सो दैट इज ऑल्सो मैंशन रिवर्स में भी वी विल हैव वन पैसेंजर ओनली सो दैट विल बी एंड रिटर्न डेट क्या होगी रिटर्न डेट हमने जो मैंशन करी है छब्बीस तारीख वही हम डाल देंगे यहां पर आने के बाद आपको करना होगा एक फाइल चूज जिसमें आपको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट डालना है डॉक्यूमेंट में आपको क्या डालना है आपको जो मेडिकल रिपोर्ट है जिस इंसान को जहां पर आप ले जा रहे हैं उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो होगी उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपलोड करना है साइज ऑफ द फाइल जो होना चाहिए वो टू हंड्रेड के छोटा होना चाहिए अगर फोटोग्राफ का है और वन एम के नीचे शायद होना चाहिए फॉर दैट अटैचमेंट आप एनेबल वेब कैम से भी ये डायरेक्टली पिक कर सकते हैं आर टी पी सी आर निगेटिव रिपोर्ट ट्वेंटी फोर सेवेंटी टू आवर्स का जो वैलिडिटी वाला है वो आपको यहाँ अप्लाई करना है यह सब डालने के बाद आपको सबमिट का बटन दबाना है जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे सो यू विल रीच ऑन टू द फैक्ट ऑफ वॉट यू कॉल द डाउनलोड पास एंड रिव्यू पास तब आपको एक टोकन आई डी दिया जाएगा उस टोकन आई डी को आपको चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पास जो सेक्शन है वहां पर देखना होगा चेक स्पेस एंड डाउनलोड वाला जो सेक्शन है उसमें अगर आप यहाँ पर डालेंगे आपका टोकन नंबर तो आप डाउनलोड कर पाएंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आपको पूरा मेथोडोलॉजी समझ में आ गई है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इमरजेंसी रीजंस के वजह से ट्रैवल करना पड़ेगा और ई पास क्रिएट करने की ज़रूरत है थैंक यू सो मच एंड बाय बाय